हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या है, आइए देखते हैं। मैप रिड्यूस हडूप इकोसिस्टम का एक डिफॉल्ट मॉड्यूल है जो कि लार्ज वॉल्यूम के डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। मैप रिड्यूस एक कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग टेक्निक है। मैप रिड्यूस को जावा लैंग्वेज में डेवलप किया गया है और मैप रिड्यूस के दो इम्पॉर्टेंट टास्क है, मैप टास्क और रिड्यूस टास्क। तो किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं या फिर बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें से दो इम्पॉर्टेंट टास्क है, मैप टास्क और रिड्यूस टास्क। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, हमारे इनपुट फाइल को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप फॉलो होते हैं। पहला मैप टास्क, उसके बाद बहुत सारे इंटरमीडिएट फेजेस या इंटरमीडिएट टास्क परफॉर्म होते हैं और फाइनली रिड्यूस टास्क परफॉर्म होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो मैप टास्क और रिड्यूस टास्क तो इम्पॉर्टेंट टास्क है। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उसे मैप रिड्यूस लोकल डिस्क में स्टोर करता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। मैप रिड्यूस का मेन काम होता है जॉब एग्जीक्यूट करना, जॉब को शेड्यूल करना, जॉब को रिसोर्सेस एलोकेट करना और क्लस्टर मॉनिटरिंग करना और मैनेजमेंट करना। जैसा कि यह डायग्राम दिखा रहा है कि हडूप क्लस्टर में मास्टर नोड और स्लेव नोड पर ट्रिमंथ रन होते हैं और हमें पता है कि नेम नोड मास्टर नोड पर रन करता है जबकि डेटा नोड स्लेव नोड पर रन करते हैं। ठीक उसी तरह मैप रिड्यूस वन में दो डेमन्स है, जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर, जहां जॉब ट्रैकर मास्टर नोड पर रन करता है और टास्क ट्रैकर रन करते हैं स्लेव नोड पर। तो मैप रिड्यूस टू में जॉब ट्रैकर रिप्लेस होकर आ जाता है रिसोर्स मैनेजर और टास्क ट्रैकर रिप्लेस होकर आ जाता है नोड मैनेजर। HDFS की तरह मैप रिड्यूस भी डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके को अपनाता है डेटा प्रोसेस करने के लिए, जैसा कि यह डायग्राम बताता है कि टास्क ट्रैकर बहुत सारे स्लेव नोड पर रन करता है, इसीलिए सारे सर्वर पर डेटा पैरेलली प्रोसेस होता है और इससे काम जल्दी खत्म होगा और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। और इस तरह से मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेस को मल्टीपल नोड पर स्केल करता है, मतलब जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा नोड पर डेटा प्रोसेसिंग होगा। मैप रिड्यूस सिर्फ SDFS के स्टोरेज के लिए यूज नहीं होता है बल्कि और भी बाकी दूसरे स्टोरेज के लिए यूज किया जा सकता है, जैसा कि RDBMS, HBase, ये सभी के लिए भी मैप रिड्यूस टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क का यूज होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अब हम लोग जानेंगे मैप रिड्यूस के डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मतलब मैप रिड्यूस इंटरनली डेटा को कैसे प्रोसेस करता है। तो पहला पॉइंट है कि मैप रिड्यूस डेटा को की वैल्यू के फॉर्म में प्रोसेस करता है। अब ये की वैल्यू फॉर्म का डेटा क्या है, ये डायग्राम दिखाता है एक टेलीफोन डायरेक्टरी को, जहाँ पे हर एक टेलीफोन नंबर किसी एक पर्सन के नाम पर रजिस्टर होता है। तो मान लेते हैं ये पर्सन का नाम हो गया की और टेलीफोन नंबर हो गया वैल्यू। इसके अलावा और एक सीधा सा एग्जाम्पल हो गया डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप कोई भी वर्ड को सर्च करते हो तो वो डिक्शनरी का वर्ड एग्जाम्पल हो गया की, और जब आपको वो वर्ड मिल जाता है तो उस वर्ड का डेफिनेशन हो गया वैल्यू। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर का डेटा दिखता है। नेक्स्ट है मैप रिड्यूस डेटा लोकेलिटी कंसेप्ट को फॉलो करता है, जहाँ पर हम डेटा को कंप्यूटेशन तक नहीं पहुँचाते हैं जबकि कंप्यूटेशन को डेटा तक पहुँचाते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं ये फोन डायरेक्टरी का फाइल हमारे हडूप क्लस्टर में रखा गया है और हमें किसी बंदे का टेलीफोन नंबर खोजना है। तो अब मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेस करके कैसे फ़ोन नंबर निकालेगा ये हम समझेंगे। हमें पता है कि हडूप में डेटा को बहुत सारे सर्वर पर रखा जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हमारे स्लेव नोड पर एक एक टास्क ट्रैकर रन करते हैं और हमारा डेटा अलग अलग सर्वर पर रखा हुआ है और ओवरऑल सारे सर्वर में डेटा प्रोसेसिंग को मॉनिटर करता है जॉब ट्रैकर। तो मान लेते हैं हमें किसी बंदे का टेलीफोन नंबर खोजना है, तो सबसे पहले टास्क ट्रैकर मैप टास्क और रिड्यूस टास्क लॉन्च करेगा सभी डेटा नोड पर। ठीक इसी तरह आपको हर एक डेटा नोड पर मैप टास्क और रिड्यूस टास्क लॉन्च होगा और सारे सर्वर में सेपरेटली डेटा प्रोसेसिंग होगा, जो कि पैरेलली हर एक सर्वर में डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और फाइनली जो सर्च रिजल्ट है वो हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पर्सन का फ़ोन नंबर क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कंप्यूटेशन को दिखाता है, मतलब हमें ये काम कंप्लीट करना है। तो ये डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने डेटा को कहीं नहीं भेजा,
जबकि कंप्यूटेशन को डेटा के पास भेजा। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डेटा लोकेलिटी। डेटा लोकेलिटी के कंसेप्ट की वजह से डेटा का मूवमेंट नहीं होता है जबकि हम कंप्यूटेशन को डेटा के पास भेजते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेस को इजीली बहुत सारे सर्वर पर स्केल कर सकता है। मैप रिड्यूस के गोल्स के बारे में जानेंगे, यानी मैप रिड्यूस हमें किस तरह से मदद करता है। पहला है ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल से समझा कि हमारा डेटा अलग अलग सर्वर पर रखा हुआ होता है और प्रोसेसिंग भी पैरेलली होता है, इसीलिए सिस्टम का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे डेटा नोड पर दो डेटा ब्लॉक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। और जैसा कि हमें पता है हर एक डेटा नोड पर एक टास्क ट्रैकर प्रोसेस रन होता है। तो मान लेते हैं ब्लॉक ए में कम डेटा है या डेटा का वॉल्यूम कम है, इसीलिए एक मैप टास्क रन करेगा, जबकि जो ब्लॉक बी है उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर है, यानी डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर दो मैप टास्क रन होगा। और फाइनली मैप टास्क कंप्लीट होने के बाद रिड्यूस टास्क रन होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक लार्ज टास्क को छोटे छोटे टास्क में या फिर सब टास्क में डिवाइड किया गया, उसके बाद डेटा को पैरेलली प्रोसेस किया गया। तो यही दिखाता है ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन को। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। जैसा कि हमें पता है कि हडूप में बहुत सारे सर्वर एक नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए मैप रिड्यूस में डेटा लोकेलिटी कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है ताकि डेटा का मूवमेंट कम हो और नेटवर्क बैंडविड्थ का जरूरत कम पड़े। इसके अलावा सारे टास्क को मॉनिटर किया जाता है ताकि इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग को बेटर तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। हमारा तीसरा गोल है फॉल्ट टॉलरेंस। सो मैप रिड्यूस का प्राइमरी एम है फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव करना। और जैसा कि ये डायग्राम बता रहा है कि सर्वर क्रैश करने पर एक नए सर्वर पर डेटा का बैकअप रखा जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस तीन तरीके से अचीव करता है मैप रिड्यूस। सो हम लोग इसे इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो पहला है टास्क फेल। मान लो मैप टास्क या रिड्यूस टास्क फेल कर जाता है, तो उस केस में जो भी टास्क फेल करेगा उसकी जगह पर एक नया टास्क लाया जाएगा। दूसरा है टास्क ट्रैकर फेल। मान लो हमारे डेटा नोड पर जो टास्क ट्रैकर रन कर रहा है वो फेल कर गया, उस केस में इस टास्क ट्रैकर को रिप्लेस करके एक नए टास्क ट्रैकर को ये टास्क असाइन किया जाता है। तीसरा है जॉब ट्रैकर फेल। ये एक फैटल फेलियर है, क्योंकि अगर जॉब ट्रैकर फेल कर जाता है तो पूरा क्लस्टर डाउन हो जाता है। तो इस तरह से मैप रिड्यूस ये तीनों टाइप के फेलियर को हैंडल करता है। आज के सेशन में हमने जाना मैप रिड्यूस क्या है, मैप रिड्यूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना, मैप रिड्यूस के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को देखा और मैप रिड्यूस के प्राइमरी गोल्स क्या क्या है उसे भी समझा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले अगर आपने सेशन को लास्ट तक देखा है और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।